हाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम है, एमपी बोर्ड का कक्षा 10 के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है 2020 का, जो है ये अंक विभाजन के आधार पे है, इसीलिए इसमें 15 पाठ हैं। किताब में 21 पाठ हैं, वो विषय सूची के हिसाब से हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो 15 पाठ जो हैं अंक विभाजन के आधार पर, इनमें क्या है, इनमें आप सामाजिक विज्ञान में देखिए भूगोल भी है, इतिहास भी है। तो भूगोल के जो हैं ये 5 पाठ भूगोल के हैं, ठीक है ना। और इतिहास में कितने हैं, ये 3 पाठ हैं, छठवा सातवा आठवा, ठीक है। ये जो और नागरिक शास्त्र के ये पाठ हैं 3, और अर्थशास्त्र में ये पाठ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें जो हम तैयारी कर रहे हैं किसी विषय की, तो उससे पहले उसमें कुछ मुख्य बातें हमें जान लेना जरूरी होता है, जैसा कि इसमें भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसको 4 हिस्सों में बांट के तैयारी हम कर सकते हैं, और अंक विभाजन बिल्कुल क्लियर है, उतना ही अंक विभाजन उसी आधार पर आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ, जैसे कि जैसे ये पाठ है भारत में संसाधन 10 नंबर का जो आ रहा है, 2 ओटी आएंगी, 2 नंबर की, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा इन्हें दिया है। तो ये मैंने चेक करके देखा पेपर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ कह रहे हैं कि 3 के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, लेकिन वहाँ 4 नंबर के भी दे दिए हैं। 2019 में 4 नंबर के भी क्वेश्चन दिए हैं इसी पाठ में से। तो ये ब्लूप्रिंट काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचो कि 3-4 नंबर का 5 का नहीं आएगा, उसमें से भी दे सकते हैं। आप थोड़ा उसको कम लिख सकते हैं, जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको जो है थोड़ा सा छोटा कर दीजिए क्वेश्चन को, तो आपको वो 3 नंबर का अगर आया या 4 का आया, 4 तक का दे सकते हैं ये लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिया हुआ है 2019 के मैंने पेपर में देखा है। अच्छा, ये बात अलग हुई। अब जो मैं बताना चाहता था वो ये बात है कि देखिए, इसमें 30 नंबर का आ रहा है भूगोल, ये लिखा हुआ देख, 30 नंबर का भूगोल आ रहा है, इतिहास आ रहा है 30 नंबर का, ठीक है, नागरिक शास्त्र 20 का आ रहा है, अर्थशास्त्र 20 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो है ज़रूरी बात यह है कि देखो, रिस्क नहीं लेनी है, यानी कि हमें ये नहीं करना कि हर एक पूरे के पूरे सभी पार्ट हम इम्पोर्टेंट कर ले जाएँ, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट कभी कभी तो ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसीलिए इनमें से कोई भी एक पार्ट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस 30 में से किसी का इतिहास अच्छा है तो वो पूरा इतिहास कर ले जाए, किसी का भूगोल अच्छा है तो पूरा भूगोल कर ले, जिसका तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ ये दो 30-30 नंबर के हैं, तो इनमें से एक हिस्सा अपना पूरा पूरा क्वेश्चन याद कर ले, और बाकी के में से इम्पोर्टेंट कर ले याद कोई भी बच्चा, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपकी तैयारी में जैसे मान लो आपने भूगोल पूरा 30 नंबर का किया तैयार, थोड़ा आपको टाइम लग गया, अब जैसे 3 ही दिन है रिवीजन, 7 तारीख को पेपर है आपका, तो रिवीजन का टाइम ज़्यादा नहीं है, जिनको पहले से याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी पहले से नहीं होगी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक पार्ट को दे दें 2 दिन पूरे, आज का भी, इसलिए मैं कहूँगा कि पढ़ सकते हैं 12 बजे तक रात को, आज का और कल का ये 2 दिन दे दें एक पार्ट को भूगोल को मान लो, या फिर जो भी चुन लें, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भूगोल को ही चुने आप जैसे मान लो, तो इसमें से अगर मान लो आप इसको चुन लिया, तो कल रात तक आपको ये पूरा पार्ट कंप्लीट करना है। थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ लिख सकें, ऐसा कर लेना, ठीक है। अगर मान लो ये पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया 30 नंबर का, तो 100 में से 33 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। अब आजकल तो जैसे 80 में से अगर काउंटिंग की जाएगी तो 27 देखे जाएंगे, ठीक है, 27 नंबर पासिंग मार्क्स हो जाता है फिर। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, जैसे ये पूरा पक्का कर लिया आपने 30 नंबर का, अगर यहाँ से सीधे सीधे 25, तो 2-4 क्वेश्चन तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आप उन बच्चों की जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ, वैसे तैयारी होनी चाहिए, लेकिन जिनकी नहीं है तैयारी उनको ये है कि वो 2 दिन में अपनी टेंशन खत्म कर लें पहले, कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, ये सोचने के ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसको 2 दिन में ही खत्म कीजिए, उसके बाद बाकी जितना बचा कोर्स उसमें से इंपॉर्टेंट छांट लीजिए, ये मेरा तरीका है। इससे क्या होगा, आप ये 2 दिन में पहले तो आप श्योर हो जाएंगे आप हम फेल नहीं हो सकते, फिर उसके बाद आप जो बचे हुए 2 दिन, और क्योंकि आज का दिन मिला के 4 दिन है, तो आप बचे हुए 2 दिन में आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो आपने 40 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट याद कर लिए, 30 भी कर लिए, उसमें से 3-4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको, आसान तरीका। चलिए, अब हम इसमें मैं और थोड़ा सा बता दूँ, ये एक तरीका बहुत अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया,
अब इसके बाद मैं थोड़ा ये बता दूं आपको, ये मैं इसका एक वीडियो भेज चुका हूँ, नागरिक शास्त्र का वीडियो मैं भेज चुका हूँ सामाजिक विज्ञान में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं मेरे, तो सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, उसमें लिखा होगा एक प्लेलिस्ट में। तो अभी मैंने ये वीडियो तो भेज चुका हूँ मैं पहले, ये वाला नागरिक शास्त्र का ये वीडियो मैं भेज चुका हूँ, इसमें ये भी इन्वॉल्व है ये वाला चैप्टर, ये फिफ्थ चैप्टर। इसमें क्या है, दो क्वेश्चन मैंने बताए, हर साल उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैं फिर एक एक करके भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र तीन वीडियो बनाऊंगा इनके, तो तीन वीडियो में तीनों के इम्पोर्टेंट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। और अगर याद करने में किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी समस्या है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सोचूंगा, देखूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और कोशिश करूंगा कि आपको अगर जैसे मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनमें से इम्पोर्टेंट मैं जो दूंगा वो आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, उनकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, कि याद करने की। तो ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए एक, और यहाँ पे 100 अंक का पूरा पेपर आएगा, 25 नंबर की तो ओटी आएंगी, ठीक है, 10 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 28 नंबर के आएंगे सबसे ज़्यादा, और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर के आते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये सारे मिलके 100 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ओटी सबसे पहले बता दूँ, 3-3 नंबर की ओटी जैसे इन तीनों पाठों में दी है, तो यहाँ पे ओटी ज़्यादा कर तैयार करो इस पाठों में से सबसे ज़्यादा ओटी, ये 2-2 नंबर के हैं, यहाँ से भी ओटी तैयार करना जरूरी है। एक एक नंबर की आप ओटी अगर छोड़ो तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओटी जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ मैं, अब आगे जो है मैं आपको भूगोल का इसके बाद भेजता हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनको जो है इंग्लिश में और हिंदी में ढूंढने में दिक्कत आएगी, तो अलग बनाऊंगा उनका।